वेलकम टू ब्लॉग चैनल। तो गाइज आपको पता ही है आजकल हमारे रामलीला हो रही है, जो कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताई है कि हम मतलब पूरी रात भर वहाँ रुके थे। हम रात को 8 बजे निकले थे यहाँ से और वहाँ मॉर्निंग 6:30 बजे तक वहीं रहते और फिर उसके बाद घर आए। 1-1.5 घंटा जो भी होता है हम सो गए थे और उसके बाद अब आज हमारे यहाँ है फिर रामलीला। तो दिखाएंगे आपको कैसे कैसे हमारे यहाँ पे मतलब रामलीला हो रही है और रामलीला भी बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ही। सो गाइस अब निकल गए हम घर से, जो कि रामलीला हो रही है गांव के बीच। तो फिलहाल तो हम चलते हैं, देखते हैं। मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि थोड़ा देर में ही शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हो हमारा मयाली मार्केट पीछे से ही, जो कि आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। हेलो प्रिंस जी, तो आपको मिलाते हैं प्रियांश जी से जो मेरे साथ चल रही है अभी, और पीछे से आने वाली है मेरी सिस्टर लोग जो कि बहुत लेट है। तो दगड़ियों आप तो मिलो ना। अब हम जो कलाकार छिन, जो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी बढ़िया छिन, तो देख कुछ बातचीत हो जाए तो दिखाना छिन आपते। तो दगड़ियों अब मिलो ना आप दगड़ी जो लोग तैयार होना और जो कलाकार मतलब जो बढ़ना होला, तो आप सब दे तो दगड़ी मिलो ना। आप देख सकते हैं आप कुछ कलाकार तैयार होना का छिन और के फोटो खिंचवाने की छिन, तो आप देख सकते हैं। और अब आप हनुमान जी देगड़ी ये नाम देगड़ी हनुमान जी। तो हनुमान जी आप बताओ हम देगी कितने सालों पर यहाँ रामलीला हो रही और कण कण ये प्रकार से रामलीला हो रही। देखा ये रामलीला कम से कम विगत कम से कम 2 बार 14 वर्ष पूर्ण हुए। हटने का बाद ये रामलीला बराबर और अभी जो हमारी 8वीं रामलीला थी हमारे 4 वर्ष वाला बन रही, लेकिन हम फिर से ये रामलीला स्टार्टिंग करा है। हम अनेक चाहे लगभग 8 और 10 साल लगभग राम और लगभग 8 और 10 साल हनुमान एक प्रकार का विजय करी दशरथ को विजय करी चला को विजय करी और ये सब पूर्व में हमारा जब हमारा पिताजी हम लगे 20 से 25 साल हमने हनुमान का मारा है वे का बाद अब मैं 8 और 10 साल में हनुमान को मारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम मिलोगे आप देख रहे हैं सीता माता है। आप मिलो ना आप देखिए सीता माता नगरी, जो कि फर्स्ट टाइम मतलब सीता को पार्ट करते और बहुत ही बढ़िया पार्ट करते। जबकि देखिए आप ना हमारा पहला वाला ब्लॉग मुझे देखी हो ना कि मैंने उसकी वीडियो डाली थी और आप देख सकते हैं कि इतना छोटी सी उम्र में ये सीता को रोल करना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है। सीता माता आप बोलना चाहोगे इस बारे में कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो और कुछ तो देख सकते हैं आप दगड़ियों की इतनी छोटी सी उम्र वाई सीता को पार्ट खेलना चाहिए और बहुत ही बढ़िया पार्ट खेलना चाहिए। और आप तो अगर उसकी वीडियो देखना हो तो पहली वाली वीडियो सुन जी हमारे डाली तो वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सीता माता आपकी। तो दगड़े अब मिलो ना आप दगड़ी हम लक्ष्मण दगड़ी जी, उनकी फर्स्ट टाइम ही पार्ट खेली और बहुत ही बढ़िया पार्ट खेला चाहिए। तो लक्ष्मण जी आप कुछ बोल चाहते ये बारह माह मतलब कल आपने ये मतलब पार्ट खेली थे लगन उची और के हिसाब से ठीक आगे जाके खेलोगे आप पार्ट? तो आप देख सकते थे इतनी छोटी सी उम्र में ये भी लक्ष्मणों को पार्ट खेलना चाहिए और जो हमारे ये बारह कलाकार सिंसी मतलब फर्स्ट टाइम ही खेलना चाहिए और बहुत ही बड़े थे हिसाब से बहुत बढ़िया खेले जे हिसाब से ये इतनी छोटी सी उम्र में खेलना चाहिए। तो बोला आपने ऐसा देखिए रामलीला तो बढ़िया रहना आप हमारा ब्लॉग देख रही सत्रह सिंह यहाँ सभी का सभी फोटो खिंचवाना चाहिए राम लक्ष्मण सीता हनुमान दगड़ी और यहाँ इतना भीड़ लगी थी इतना भीड़ का कि भीड़ लगी थी था या लगी यहाँ मेरी रुचि लगी और देख सकते हैं आप। तो दगड़े आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फोटो खाड़ो की जान पड़ी था अभी जो हो और अभी हम थोड़ी देर में ही हमारी लीला शुरू होने वाली थी। तो दिखो ला आप कण कण के लीला की होनी यार के हिसाब से होनी चाहिए। तो बना रहे आप हमारा ब्लॉग दे रही तो मिला चला थोड़ी देर में ही। जय हो।
आप देख सकता छन कुछ लोग देहरादून बठिन भी आया छन रामलीला देखण, स्पेशल रामलीला देखण ता आया छन, तो आप ते बतौन दे तो कैसे लग रहा फिर आपको? बढ़िया लग रहा हमको। कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कुछ लोग देहरादून से आ रखे हैं, देहरादून वालों कुछ बोलना चाहोगे आप? देहरादून में मजबूरी के कारण जाना पड़ता है, कहाँ देहरादून वाले नहीं हो गए देहरादून जाने से। अच्छा, मैं भी दुबई रहता हूँ। और ये स्पेशल रामलीला देखने के लिए आ रखा है, क्यों? तो कैसी लग रही है आपको हमारे यहाँ की रामलीला, बता आपने यहाँ की? बहुत बढ़िया लग रही है। सुबोध जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? माता तोरे परदा पे यश पाया।
हे माता आपकी कृपा से मुझे आज यश मिला है और आप की कृपा से मैंने सारे असुरों का नाश किया है और समुद्र में पुल बांधा है। सब ये आपकी कृपा से हुआ है माता जी।
चीज आप देख सकते हो कि आज रास्ते लग छो और रास्ते लग खत्म होगी और सब अपना अपना घर जान लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।